हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हील पेन क्यों होता है। हील पेन बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से, किसी स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, हील स्पर हो जाने की वजह से, पैर में मोच आने की वजह से, या फिर पैर के किसी टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से भी हील पेन हो सकता है। और इन सभी कारणों में से सबसे आम वजह प्लांटर फेशियाइटिस है। अगर प्लांटर फेशियाइटिस हील पेन का एक मेजर कॉज है तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके लिए जानते हैं प्लांटर फेशियाइटिस क्या है। हम सभी के पैर में नीचे की तरफ एक थिक फाइब्रस बैंड ऑफ टिश्यू होता है, जिसे हम फेशिया कहते हैं। ये टिश्यू आपकी हील बोन से शुरू होते हैं और आपकी पैर की उंगलियों पर जाकर खत्म होते हैं। और ये टिश्यूज पैर की मसल्स और आर्चेस को सपोर्ट करते हैं। जब ये टिश्यूज ओवरयूज की वजह से जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो इनकी सरफेस में छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं और इन्हीं टीयर्स की वजह से एडी में दर्द और सूजन शुरू हो जाती है। प्लांटर फेशियाइटिस होने के भी बहुत से कारण हैं, जैसे जिन लोगों के पैरों में आर्चेस की दिक्कत है, चाहे फ्लैट फिट हो या फिर हाई आर्च फिट हो, दोनों ही कंडीशंस में प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ऐसे फुटवेयर्स पहनना जो बहुत हार्ड भी हैं और जिनका सरफेस भी फ्लैट है, जो आपकी बैंड पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। यही दिक्कत तब और भी ज्यादा होने लगती है जब आप ऐसे जॉब्स में इन्वॉल्व होते हैं जिनमें आपको बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कंटीन्यूअस प्रेशर आपके पैर के बैंड पर पड़ने लगता है और फिर इन्फ्लेमेशन होने लगती है और दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी और ओवरयूज की वजह से भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो सभी कारण जिनकी वजह से आपको हील पेन हो सकता है। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हील पेन क्यों होता है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि हील पेन को ठीक करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पर ही अपने आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।